हाई टुडेज पोएम इज़ फायर एंड आइस विच इज़ रिटन बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट पोएम जस्ट लाइक डस्ट ऑफ स्नो दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ दैट इज फायर एंड आइस कंसिस्ट ऑफ टू स्टैंड ओनली एंड टोटल ऑफ नाइन लाइन्स इस पोएम में पोइट ने अपना एक आइडिया बताया है कि दिस वर्ड माइट एंड इन टू वेज या तो आग से या बर्फ से और ये दोनों ही चीज़ लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती है यहाँ पोइट ने ह्यूमन इमोशंस की बात की है दैट इज़ हेट एंड डिज़ायर ये दोनों ही ह्यूमन ट्राइट्स हैं हेट नेगेटिव ट्राइट है और डिज़ायर पॉजिटिव ट्राइट है यहाँ पोएम पोइट ने फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से और आइस को कंपेयर किया है हेट से नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर देर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल से दैट एवरी थिंग ऑन द अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड बाई अ वेरी ह्यूज फायर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग सम से इन आइस एंड द सेकेंड ग्रुप से दैट इट विल एंड अप आइस एज द टेम्परेचर विल गो डाउन It won't be possible for animals, humans, and birds to survive. Plants will also not germinate. All the things will die of cold and hunger. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. And now the poet is of the opinion that he favors fire. He favors desire. He is in the group of those people. Who support the view of destruction by fire, and here fire is compared with desire, and ice is compared with hate. Now we will move on to the second stanza. But if it had to perish twice, if the world will perish twice, means two times i think i know enough of hate he said that it will due to hate or due to ice that the world will destroy first it, it will destroy by fire and second time it will be destroyed by ice to say that for destruction ice is also great ice is equally great as fire in destroying the world and would suffice and that will be sufficient means ice is also sufficient to destroy the world and fire is also sufficient to destroy the world now we will talk about poet his full name robert lee frost he was born in 1874 and died in 1963 he was the only poet to receive politzer prize for poetry four times now we will see meaning of uh, few difficult words that is perish means to die or destroy suffice means sufficient or enough now we will move on to uh, some of the uh, poetic and literary devices in the first one is rhyme scheme this is po uh, poetic device and the rhyme scheme is a b a a b c b c b uh, that i have divided uh, into three lines means the poem is, uh, consists of nine lines and if we take three line as a stanza then the फर्स्ट थ्री लाइंस विल भी ए बी ए सेकंड ए बी सी एंड द लास्ट थ्री लाइंस विल बी बी सी बी नाव द लिट्रेरी डिवाइस और द फिगर ऑफ स्पीच इज़ एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज़ रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट। एलिट्रेशन जहाँ की एक लाइन में जो भी वर्ड्स आते हैं और जो उन वर्ड का पहला लेटर होता है वो सिमिलर हो और वो वॉवल ना हो के कॉन्सोनेंट हो उसको एलिट्रेशन कहते हैं जैसे कि सम से ये वर्ड्स रिपीट किए गए हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन में और दोनों ही वर्ड में एस रिपीट हुआ है तो इसलिए एस एलिट्रेशन होगा इसी तरह से फर्स्ट लाइन में वर्ड और विल इन दोनों ही वर्ड में पहला लेटर डब्लू है तो डब्लू एलिट्रेशन हो जाएगा इसी तरह से फोर्थ लाइन में विद हु इसमें भी पहला लेटर डब्लू है तो डब्लू एलिट्रेशन हो जाएगा इसी तरह से फोर्थ लाइन में फेवर एंड फायर है तो फेवर और फायर में दोनों वर्ड में पहला लेटर एफ है तो ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा इसी तरीके से टू ट्वाइस ये फिफ्थ लाइन में है पोएम की तो ये इसमें T दोनों ही में है टू में भी और ट्वाइस में भी तो ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा अब हम कुछ और लिट्रेरी uh, डिवाइसेस के बारे में देखेंगे जैसे मेटाफर मेटाफर जहाँ हम और थिंग्स को कंपेयर करते हैं जैसे इन दिस पोएम फायर इज़ कंपेयर्ड विथ डिज़ायर एंड आइस इज़ कंपेयर्ड विथ हेट तो फायर और आइस ये दोनों ही मेटाफर हो गए इसी तरह से एजाममेंट en, एंजाममेंट वो होता है व्हेन देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क कोई पंचुएशन मार्क फुल स्टॉप कॉमा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन कुछ भी नहीं होता है पोएम में तो उसको एन्जाममेंट कहते हैं इस पोएम में आ, आ, जो फर्स्ट लाइन है थर्ड लाइन है सिक्स सेवेंथ और एट लाइन थी। यहाँ किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया गया है तो यहाँ यह हम कह सकते हैं कि पोएम में एंजमेंट भी यूज़ हुआ है इसी तरह से एनाफोरा एनाफोरा क्या होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है सम से अब सम से रिपीट हुआ है फर्स्ट लाइन में भी और सेकंड लाइन में भी तो जब पोइट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है तो हम उसको एनाफोरा कहते हैं इसी तरह से पैराडॉक्स ये भी फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स होता है कि स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रोडिक्ट सेल्फ एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अपने ही आप को करता है मीन्स अपने ही आपको वो फेवर नहीं करता जैसे बट इफ़ इट हैड टू ट्वाइस फिफ्थ लाइन ऑफ द पोइम में दिया है मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंडा बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस कि अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना होता या इस दुनिया को दो बार डिस्ट्रॉय होना होता तो ये हो गया पैराडॉक्स कि अगर कोई एक बार कोई uh, मर चुका है तो हाउ कैन दैट पर्सन और थिंग विल डाई अगेन तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्ट्री हो गया तो इसलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं इसी तरह से एसोनेंस एसोनेंस वो होता है जहाँ हम वॉवल साउंड्स एक लाइन में रिपीट होता है अब जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर ये फोर्थ लाइन में है तो इसमें अब वॉवल क्या है होल्ड का ओ दोज का ओ हो का ओ और फेवर का ओ तो ये कहलाएंगे हमारे एसोनेंस इसी तरह से और भी कुछ हम आगे देखते हैं लिट्रेरी uh, डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन में जब नॉन लिविंग थिंग या इन थिंग्स कंपेयरड विद द ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग इसी तरह से तो उसको पर्सोनिफिकेसन कहते हैं फायर और आइस दोनों ही नॉन लिविंग थिंग हैं बट इनको कंपेयर किया गया है एज अ लिविंग थिंग अब एज अ लिविंग थिंग कैसे कंपेयर किया गया है क्योंकि फायर को कंपेयर किया डिज़ायर से और डिज़ायर जो है वो एक ह्यूमन ट्राइट है इसी तरह से फायर परसोनीफिकेसन हो जाएगा आइस ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है इसको भी कंपेयर किया गया है हेड से और हेड जो है वो एक ह्यूमन ट्राइट है तो इस तरह से आइस भी पर्सोनिफिकेशन होगा इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है लिटरेरी डिवाइसेस। इमेजरी वो तब वो हो चीज़ होती है व्हेन पोइट क्रिएट्स इमेजिनेशन इन द माइंड ऑफ रीडर्स रीडर के माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए अपनी पोइम में कुछ ऐसे वर्ड्स वो ऐड करता है लिखता है ताकि जब कोई रीडर पढ़े तो उन वर्ड्स को पढ़ के उसकी पिक्चर बन जाए रीडर की दिमाग में कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है तो अब इसमें है फायर एंड आइस तो जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे ब्रेन में एक फायर की फ़ोटो बन जाएगी ठीक है मतलब कि हाँ फायर तो वो वो हमें एक तरह से मेंटली विजुलाइज भी होगा इसी तरह से आइस तो ये दोनों इन, इन दोनों को इमेजरी बोलते हैं और एट द एंड सेंट्रल आइडिया तो इस पोइम से हमें यही मालूम चला कि पावर ऑफ डिज़ायर एंड हेट हेट की डिज़ायर और हेट की बहुत ही पावर होती है और इस पावर से इवन वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड क्योंकि अगर हेट होती है तो यू कैन सी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे एग्रेशन करते हैं चढ़ाई करती है अटैक करती है तो वह क्यों होता है ड्यू टू हेट होता है या फिर ड्यू टू डिज़ायर कि आई वॉन्ट टू कौन दैट कंट्री और आई वॉन्ट टू बी द सुपर पावर ऑफ़ द वर्ल्ड तो इस तरह से पावर ऑफ डिज़ायर एंड हेट इसका सेंट्रल आइडिया है एंड दिस पोएम वॉज पब्लिश इन नाइनटीन ट्वेंटी सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय फोर नाव